दोस्तों, आईपीएल 2022 में शानदार शुरुआत करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार मैच हारती गई और इसी के चलते पॉइंट टेबल में वो सातवें स्थान पे मौजूद है। वो दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के लिए भले ही इस सीजन में कुछ अच्छा नहीं जा रहा हो, लेकिन इसके साथ ही कोलकाता टीम के हेड कोच को लेकर बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। और दोस्तों खबरें ऐसी है कि ब्रेंडन मैकुलम इस सीजन के बाद से अगले सीजन यानी कि आईपीएल 2023 से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का साथ छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए हैं और वो टेस्ट टीम में टीम को कोच करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ 4 साल का अनुबंध किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और खुद मैकुलम ने भी इस बात की पुष्टि की है। इसी के साथ ब्रेंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का साथ भी छोड़ने जा रहे हैं। इस सीजन के बाद वो फ्रेंचाइजी को अलविदा कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, 40 साल के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम मीटिंग में अपने साथी खिलाड़ियों को इस बात की जानकारी भी दी है। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि फिलहाल ब्रेंडन मैकुलम आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की कोचिंग में व्यस्त हैं और वो सीजन के अंत तक केकेआर टीम के साथ बने रहेंगे और इसके बाद वो शाहरुख खान की टीम को अलविदा कह देंगे। आप सभी को बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के हेड कोच है और उनकी कोचिंग में पिछले सीजन में केकेआर की टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन इस सीजन उनकी कोचिंग में कोलकाता की टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है और खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ब्रेंडन मैकुलम को कितना मिस करेंगे अगर वो टीम की कोचिंग छोड़ देते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।